विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में दूसरी चरण की यात्रा अब रफ्तार पकड़ने लगी है। जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है वैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या में भी प्रतिदिन बढ़ोतरी होने लगी है और बीते 24 घंटों के दौरान 11,000 से भी अधिक तीर्थयात्रियों ने धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने कहा कि जुलाई महीने में भारी बारिश और अतिवृष्टि के कारण यात्रा पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा था, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा लगातार निर्माण कार्य गतिमान है और अब दूसरे चरण की यात्रा में भक्तों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। जहाँ मार्ग टूटे हैं उन्हें ठीक किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम जो है एक खुशी का विषय भी है कि हमारे पास यात्रा जो है पूरी चरम सीमा पे है। जैसा मैं देख रहा था कि परसों आज भी मैं देख रहा था कि 9 बजे तक जो है 7-8 हज़ार लोग निकल चुके हैं। हमारा एक है जो इंक्रीज हो रहा है, इसमें काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, काफ़ी उत्साह है। उस तदनुसार हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे जैसे मार्ग टूटे हुए हैं उनको यात्रा मार्ग पे यात्री बहुत हैं, तो यात्री होने के बावजूद भी हमारे पास दिन रात मेहनत करके हमारे इंजीनियर्स द्वारा वहाँ पे काम किया जा रहा है। जहाँ जैसे टूट रहा है उसको तुरंत ही उसको बना दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी 15 मीटर जो है हमारा कीरवासा के पास रोड टूटी थी, लेकिन जो हमारा जो DDM सेक्शन है उन्होंने तुरंत मौके पे पहुँच कर उसको यथाशीघ्र यात्रियों के लिए बनाया, सुचारू रूप से उसको संपन्न यात्रा कराने के लिए उसको सही कर दिया गया और NDRF के आदमी हमने वहाँ पे लगा दिए, उससे यात्रा सुचारू रूप से चल रही है।